कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो 128वां था वो आज राज्यसभा ने भी पास किया, कल लोकसभा ने पास किया और संसद के इतिहास में 27 सालों का ये जो लंबा इंतजार करना पड़ा बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है। और ये संसद भवन जो नया बना उसमें पहला ही सत्र और उसमें ऐसा ऐतिहासिक बिल पास होना, ये ऐतिहासिक पल भी हो गया और गौरव करने वाला क्षण भी हो गया। सर, जो लोग नियत पर सवाल उठाते थे उनको जवाब मिल गया? देखिए, आज उस हर समय चर्चा के समय आया कि आशंका मत करो, मोदी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो 128वां था वो आज राज्यसभा ने भी पास किया, कल लोकसभा ने पास किया और संसद के इतिहास में 27 सालों का ये जो लंबा इंतजार करना पड़ा बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है। और ये संसद भवन जो नया बना उसमें पहला ही सत्र और उसमें ऐसा ऐतिहासिक बिल पास होना, ये ऐतिहासिक पल भी हो गया और गौरव करने वाला क्षण भी हो गया। सर, जो लोग नियत पर सवाल उठाते थे उनको जवाब मिल गया? देखिए, आज उस हर समय चर्चा के समय आया कि आशंका मत करो, मोदी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो 128वां था वो आज राज्यसभा ने भी पास किया, कल लोकसभा ने पास किया और संसद के इतिहास में 27 सालों का ये जो लंबा इंतजार करना पड़ा बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है। और ये संसद भवन जो नया बना उसमें पहला ही सत्र और उसमें ऐसा ऐतिहासिक बिल पास होना, ये ऐतिहासिक पल भी हो गया और गौरव करने वाला क्षण भी हो गया। सर, जो लोग नियत पर सवाल उठाते थे उनको जवाब मिल गया? देखिए, आज उस हर समय चर्चा के समय आया कि आशंका मत करो, मोदी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो 128वां था वो आज राज्यसभा ने भी पास किया, कल लोकसभा ने पास किया और संसद के इतिहास में 27 सालों का ये जो लंबा इंतजार करना पड़ा बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है। और ये संसद भवन जो नया बना उसमें पहला ही सत्र और उसमें ऐसा ऐतिहासिक बिल पास होना, ये ऐतिहासिक पल भी हो गया और गौरव करने वाला क्षण भी हो गया। सर, जो लोग नियत पर सवाल उठाते थे उनको जवाब मिल गया? देखिए, आज उस हर समय चर्चा के समय आया कि आशंका मत करो, मोदी है। तो